दोस्तों, देवरिया हत्याकांड एक जमीनी विवाद को लेकर हुआ, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इसको जातिवाद बना दिया। और जातिवाद इसलिए बनाया क्योंकि वहां वोट का फायदा उठाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने अच्छी तरीके से इसे जातिवादी का मुद्दा दिया, ब्राह्मण और यादव वर्सेज कर दिया इसको। बीजेपी के नेताओं ने ब्राह्मणवाद फैलाया, ब्राह्मणवाद करके जातिवादी में बांटने की समाज को कोशिश की है। इसी कोशिश को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव 16 तारीख को देवरिया जा रहे हैं। वो दोनों ही परिवार से मिलेंगे, चाहे वो दुबे परिवार हो या यादव परिवार हो, दोनों परिवार से मिल करके सांत्वना देंगे। और दोस्तों, वो चाहेंगे कि इस जातिवादी में न फंस करके समाज के भले के लिए काम किया जाए। इस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने जो काम किया है, जो बीजेपी के नेताओं ने समाज में भेदभाव फैलाया है, वोट बैंक पाने के लिए, वोट लेने के लिए समाज को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। हम उसको तोड़ने और बांटने नहीं देंगे, क्योंकि समाज में अगर आप वोट लेते हैं इस प्रकार से तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप अपनी राजनीति तो चमका सकते हैं, समाज को जो घाटा होगा, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। समाज ऐसे जातिवादी में बट जाएगा, कभी आप धर्म में बांटते हैं, फिर जाति में बांटते हैं, तो ये कहीं भी अच्छी बात नहीं है देश के लिए, राज्य के लिए। इसीलिए अखिलेश यादव वहां देवरिया जाएंगे, वो दोनों परिवार से मिलेंगे। अगर सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन पर ये दबाव नहीं बनाया जाता है कि अखिलेश यादव को न जाने दिया जाए, हो सकता है कि पुलिस प्रशासन अखिलेश यादव को रोके देवरिया जाने से 16 तारीख को। लेकिन अखिलेश यादव रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जाएंगे। इस प्रकार से लखनऊ में जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से उन्हें रोका गया था, इसी प्रकार से यहाँ रोका जाएगा। न वो वहाँ रुके, न यहाँ रुकेंगे, वो सीधे जाएंगे देवरिया और दोनों परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से वहाँ घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ क्या है, अभी क्या स्थिति है, और स्थिति को साफ करेंगे। इस प्रकार से प्रेम यादव का परिवार बता रहा है कि उनकी FIR भी नहीं लिखी जा रही है, और उनकी स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उसको पुलिस उठा ले गई है, और वो पुलिस उस गाड़ी को यूज कर रही है, जबकि गाड़ी के कागज पूरे हैं और गाड़ी जो है प्रेम यादव के नाम पर है, फिर पुलिस क्यों उठा करके उसका यूज कर रही है। तो इन सभी बातों प्रेम यादव का परिवार अखिलेश यादव के सामने रखेगा, और अखिलेश यादव क्या ठोस कदम उठाते हैं वो देखने वाली बात होगी।